हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आनवीज किचन। पराठे तो अक्सर हम लोग घर में बनाते ही रहते हैं, तो क्यों ना आप भी इस बार ट्राई कीजिए यूपी बिहार वाली फेमस प्याज सत्तू वाले पराठे की रेसिपी। यह बहुत ही सेहतमंद रेसिपी है। यह खाने में मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होता है। इस वीडियो में मैं आपको सत्तू के पराठे बनाने का एक अलग ही तरीका बताऊँगी, जिसके स्वाद के आगे हमारी अच्छी अच्छी पूरियाँ भी फेल हो जाएंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, यह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम पराठे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने गैस पे एक कढ़ाई रख ली है, उसमें 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है और इसे गर्म होने दिया है। इसके बाद 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ में ही 1 पिंच हींग भी डाल देंगे और इसे चटकने देंगे। हींग से फ्रेंड्स हमारा जो डाइजेशन में बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इसमें हींग ज़रूर डालें। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें 2 चम्मच हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को चॉप करके डालेंगे। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसे डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए सौंधे कर लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज भी ऐड कर लेते हैं और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमें एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसे हमें ट्रांसपेरेंट ही करना है। तो जब हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तो हम इसमें 1 आलू डालेंगे। आलू को हमने मैश कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने उबले हुए आलू का यूज़ किया है, अगर आप चाहे तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच भर के सत्तू डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये आलू और प्याज के साथ मिक्स हो जाए। इसको चटपटा बनाने के लिए फ्रेंड्स हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन डालेंगे। इसे हम हाथों से रगड़ के डालेंगे, इससे फ्रेंड्स हमारे जो अजवाइन का फ्लेवर है वो हमारे स्टफिंग में आ जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। तो हम वापस से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और साथ ही में 1 नींबू का रस भी इसमें डाल लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें 1 चम्मच भर के कस्तूरी मेथी भी डाल लेते हैं। कस्तूरी मेथी से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आ जाता है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी अगर आपके पास है तो इसे ज़रूर डालें। इससे हमारे पराठे की जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे भी हम हाथों से रगड़ के ही डालेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में हम हरी धनिया पत्ती डाल लेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं और नमक है, हमारे जो स्टफिंग है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर एक जैसा सारी जगह पहुँचे। तो इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर चला लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे जो पराठे की स्टफिंग है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब फ्रेंड्स हम आटे की लोई लेंगे। फ्रेंड्स ये गेहूं के आटे हैं, तो इसको हम थोड़ा से गोल कर लेते हैं, जिससे कि हम इसमें स्टफिंग जो है अच्छे से भर सके। उसके बाद फ्रेंड्स हम उंगलियों से इसे दबाते हुए हल्के हल्के इसे गोल से देंगे, जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं। तो इसी के बीच में थोड़ा गहरा हो जाता है, तो इसी में हम अपनी स्टफिंग को भरेंगे। तो हम थोड़ा सा स्टफिंग लेंगे 1 चम्मच के बराबर, इसको अच्छे से दबाते हुए भर लेंगे और किनारों किनारों से वापस इसे मोड़ते हुए भरेंगे, जिससे कि स्टफिंग जो हमारी है वो अंदर चली जाए और आटा जो है किनारों किनारों से ढक दे इसे। और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे फ्रेंड्स हम निकालेंगे, जिससे कि हमारे पराठे के जो बीच में लेयर है वो मोटे ना हो, इससे आटा जो है वो एक बराबर होता है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए इसे अच्छे से गोल शेप में बेल लेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि इसे हमें अच्छे से हल्के हाथों से बेलना है, कस के इसे दबा कर नहीं बेलना है, नहीं तो हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएगी और हमारे पराठे जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो हम इसे उलटते पलटते हुए गोल शेप देंगे। तो अब हमारे जो पराठे हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने पहले से ही गैस पे तवा रख दिया था, तो अब हमारा जो तवा है वो हीट हो चुका है। अब हम पराठे को तवे पर डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेकेंगे।
फ्रेंड्स पराठे को हमने पलट दिया है ताकि हमारा जो पराठा है वो दूसरी साइड से भी अच्छे से सीख जाए। इसके बाद हम इसे वापस से पलटेंगे और इसमें हल्का हल्का ऑयल लगा करके इसे सेक लेंगे। फ्रेंड्स आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर रिफाइन ऑयल या देसी घी या फिर सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देसी घी से इसे सेक लूँगी। तो अब हम पराठे पर अच्छे से घी लगाते हुए दोनों साइड इसे लो फ्लेम पर ही अच्छे से सेकेंगे। तो अब हमारा पराठा जो है वो अच्छे से सीख चुका है। तो फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये बनाने का तरीका भी बहुत ही अलग है। तो आप इस तरीके से पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिए। ऐसे ही हम दूसरे पराठे को भी सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप एक बार सत्तू और प्याज के पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका तरीका बहुत ही अलग है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर एक बार इस तरीके से आपने सत्तू के पराठे बनाकर खा लिए तो आपको पूड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कम ऑयल में हमारा सत्तू का पराठा बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इस तरीके से सत्तू के पराठे बनाने की रेसिपी पता थी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।